बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता चंद्रमोहन के तीखे बोल। रामपुर के निरीक्षण भवन पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता कर चल रहे विवाद पर चर्चा की, जिस दौरान स्वर्ण आरक्षण के सवाल पर फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया। वहीं राफेल डील विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को झूठा ठहराते हुए फेल होने की बात कही। वहीं अभी तक भारत की राजनीति को ना समझ पाने को कहा। राफेल पे राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं। फेल हो गए बेचारे राहुल जी, पूरी तरीके से हो गए। केवल और केवल झूठ बोलना, हठधर्मिता करना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश निर्णय आ गया, उसके बाद कुछ बचा नहीं है उनके पास। नहीं, कहीं ना कहीं मोदी जी को चैलेंज भी किया, राहुल गांधी ने कहा 20 मिनट का टाइम दे दें आप भी। नहीं, काहे का चैलेंज देंगे, सदन में चर्चा, सदन में विषय आया, चर्चा हुई, सारी चीजें हुई। लोकतंत्र है भारत का, उसमें परंपराएं हैं। ये केवल सिफुगे से राजनीति नहीं होती है। राहुल जी भारत की राजनीति को अभी तक नहीं समझ पाए। देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला है। बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन ने कहा, देखिए ये ऐतिहासिक फैसला है जो भारत के एक अभूत एक जो है जो जिसे कहते हैं साहसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया फैसला है। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी साहसी फैसलों के लिए लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साहसी फैसला लिया है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, उन्होंने नोटबंदी की, उन्होंने GST लागू किया, अब 10%। ये गरीबों के प्रति उनके जो संकल्प है, अंत्योदय का जो संकल्प है, उसको साकार करने का काम किया है। तो चुनाव में भाजपा को कितना फायदा मिला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो फायदे ही फायदे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से गरीबों के कल्याण को समर्पित सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी फायदे में। और इसका सबूत ये जो नेताओं का गठजोड़ हो रहा है, ये इसका जीता जागता सबूत है। अगर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता नहीं होती तो ये लोग अलग अलग हो रहे होते, ये बंगाल में जाके इकट्ठा नहीं हो रहे होते। बंगाल में एकत्रित होने के पीछे का एकमात्र कारण है मोदी जी की लोकप्रियता।